पर फिर भी आपका पैसा आपको बचा नहीं सामने, आपका धन आपको बचा नहीं सामने, आपकी योग्यता आपको बचाने की सामर्थ्य नहीं रखता, पर जो यीशु मसीह है हमारे बीच में उससे बचाने की सामर्थ्य। वो चाहता था कि पत्रस और यूहन्ना उस बात को, उस जीवन को, और ये पत्रस और यूहन्ना इस वचन को जानते थे जो यहोशुआ ने कहा था कि तेरा सोना और चांदी तेरी मदद नहीं कर सकती, वह तुझको बचा नहीं सकती, और एक है जिसने बचा उसका नाम यीशु। हालेलुया। मेरा सोना मेरा चांदी मुझको बचा नहीं सकता, ठीक है आपके पास है वो, पर फिर भी मुझे मेरे जीवन में इस बात को जानने की आवश्यकता है। वो बहुत बड़ा अधिकारी था, उसके पास लाखों रुपए थे, मेरे वो बॉम्बे में रहने वाला व्यक्ति था, पर उसका पैसा उसको छुड़ा नहीं सका, उसको एड्स की बीमारी से चंगा नहीं कर सका, पर प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह ने उसको चंगा। एक छोटा सा सेवक होने के नाते आज आपको उत्साहित करता हूं, आज यदि मेरी जिंदगी में, आज मेरे जीवन में भी आज यही परिस्थिति है और मैं आशा करके ये कहता हूं कि कोई मेरी मदद करेगा, आज मैं आपको उत्साहित करूं। एक नाम है जो नाम प्यारा है, एक नाम है जो श्रेष्ठ है, एक नाम है जिसने जीवन में, एक नाम है जो मेरे आंसू को पोंछ सकता है, एक नाम है जो मेरे जीवन को बदल सकता है, एक नाम है जो मेरे परिवार को आशीष दे सकता है, एक नाम है जो मेरे पति को बदल सकता है, एक नाम है जो मेरे बच्चे को बदल सकता है, एक नाम है जो मेरी असफलता को सफलता दे सकता है, एक नाम है जो मुर्दे को भी जिला सकता है। और कुछ देर अपने हाथ पर थी, पर मैं दास तेरे आंसू को कुछ नहीं मिल गया है।
जो बड़े बड़े नाम उन्होंने रखा। हमारे यहाँ एक डेविड नाम का लड़का था, एक दिन सुबह मेरे पास आया और 200 रुपया दिया और कहने लगा पास्टर साहब मेरा 10 सॉन्ग्स। मैंने कहा हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे नौकरी के लिए, उस समय की बात है, ये 95 की बात है, 2000 बहुत होता था उन दिनों में। तो मैंने पूछा कहाँ नौकरी मिली, कहाँ जॉब मिला, नहीं पास नौकरी वोकरी तो नहीं मिला, रात को जुआ खेला था 2000 की था। परमेश्वर को आपकी धन की आवश्यकता नहीं, आपकी पता है आपका धन आपको बचा नहीं सकता। आज मेरा आनंद का समय है और यदि आज मेरे घर में प्रभु अपने दूत को भेजता है
बाइबल पढ़ने का समय नहीं मिला, जब आप प्रार्थना का समय नहीं मिला, बिजी मत हो जाइए अपने कामों में, अपने जीवन में, अपने अभ्यास में कि आप प्रभु को भूल जाए। अपने जीवन में आराधना बनाए रखिए, अपने जीवन में प्रभु का भय बनाए रखिए। शैतान हमेशा आपके पांव के नीचे होते हैं।
प्रभु काम करते हैं। प्रभु कहते हैं मेरे बेटे तेरे आंखों में आंसू क्यों, तेरे आंखों में आंसू क्यों मेरे बेटे, मुझ पर भरोसा रखना, मैं तेरी सारी गलती को धो दूंगा। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं।
एक मुट्ठी को वो देखने के लिए बैठा था, थोड़ा सा सोच रहा कैसे परंतु अब्राहम वो सामर्थ्य मैं है जिसको परमेश्वर ने कहा मैं बालू के टीलों के समान मैं पूछ रहा हूं। कब खत्म करेगा मुझे भी नहीं पता। क्या तो दावों को गिन सकता है, परंतु परमेश्वर ने कहा वैसे मैं तुझे बढ़ा। आपके पास आया परमेश्वर ने सुन बोले तो कैसे सामर्थ्य अब्राहम सामर्थ्य है, अब्राहम ताकतवर है, अब्राहम के पास वो है जो दुनिया में किसी को नाम नहीं, वो विश्वासियों का मेरा बाप है जिसको परमेश्वर ने बालू के किलो के समान एक मुट्ठी भी मुझे फिर एक मुट्ठी पिया वो गिन नहीं पा रहे। एक ही मुट्ठी बहुत है हमारे परिपूर्णता था जो मैं कहूंगा उसे पूरा हालेलुया, जो पूरा होने वाला वाचा, पूरा होने वाला वाचा, पूरा होने वाला वाचा, पूरा होने वाला वाचा, पूरा होने वाली प्रतिज्ञा, तब तक वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरी ना करे मैं और आप मरेंगे, वैसा प्रतिज्ञा करने वाले नहीं, मैं अपने बच्चे की शादी नहीं देख पाऊंगा, जिंदा रखेगा, मैं इस बीमारी से मर जाऊंगा प्रभु जिंदा रखेगा। हम क्रिश्चियन लोग बड़े अजीब लोग होते हैं, पतरस जेल में बंदी गृह में उसने खबर भेजा कलीसिया को प्रार्थना करो, जब प्रभु छुड़ा के ले आया तो भूत है। प्रार्थना किया पत्र को छुड़ा ले, जब छुड़ा कर लाए तो भूत खड़ा है। बहुत हंसते हैं उनकी खुशी का बात है ना। तो मैं कहना चाहता हूं यीशु मसीह में आज आपको बताना चाहता हूं, प्रभु मैं कहना चाहता हूं मेरा प्रभु प्रार्थना का सुनेगा।